मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लंच में बनाएंगे यहाँ पर अरहर की दाल और चावल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अरहर की दाल को भिगो दिया था, उसको 10 से 15 मिनट के लिए भीगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर राइस को भी मैंने भिगो दिया है, जस्ट अभी भिगोया है, बस इनको मैंने वॉश नहीं किया है। तो बस सबसे पहले इनको वॉश कर लूँगी, तो क्योंकि ये है भिगोने के बाद वॉश नहीं होते हैं, क्योंकि ये टूटने का डर रहता है, इसलिए इनको जस्ट जब भी भिगोया तभी इनको वॉश कर लेना चाहिए। तो बस सबसे पहले राइस को मैं अच्छे से कई बार साफ़ पानी से इनको धो लूँगी। तो बस राइस को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, 4 से 5 बार पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। तो बट मुझे ये भगोना बहुत छोटा लग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर भगोने को चेंज कर लूँगी, क्योंकि राइस बनाने के लिए जितना बड़ा बर्तन होगा हमारा, उतने ही बड़े अच्छे हमारे खिले के लिए राइस तैयार होते हैं, क्योंकि उनको स्पेस मिलता है काफ़ी। तो यहाँ पर मुझे भगोना छोटा मिल रहा है, तो बस इसलिए यहाँ पर बड़े से भगोने में मैं राइस को बनाऊँगी, क्योंकि आज मैं थोड़े से राइस ज़्यादा बना रही हूँ। तो बस इनको भगोने को चेंज कर लूँगी, और दाल भी मैंने एक से लगा ली है, तो उसको चेक कर लूँगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं उसको अलग से पकाऊँगी, खाली विसिल बिना लगाए। एक विसिल लगाने के बाद अरहर की दाल काफ़ी अच्छी गल जाती है, बट उसको थोड़ा सा अगर लो फ्लेम पे कुछ देर के लिए पका ले तो उसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं तड़का भी तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैं विदाउट ऑनियन अरहर की दाल में तड़का लगाऊँगी, बट वो भी बहुत ज़्यादा यमी लगता है। तो बस टमाटर ले लेंगे 3 से 4, अरहर की दाल में थोड़े से टमाटर ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर राइस को भिगोने के बाद उसमें मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी है, और 1 टीस्पून यहाँ पर इसी में साथ के साथ में जीरा ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ पर इसको येलो राइस बनाऊंगी, येलो ज़ीरा राइस, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस उसमें हल्दी डालकर और जीरा डालकर छोड़ दूंगी। तो उनको 15-20 मिनट के लिए हम पानी में अच्छे से भीगने देंगे, और फिर उसके बाद मैं राइस को तैयार करूँगी, क्योंकि राइस को भी भीग जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो बस अब यहाँ पर तड़के की तैयारी कर लेंगे हम। टमाटर ले लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर टमाटर थोड़े छोटे साइज़ के हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 4 ले लिए हैं। तो इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि मैं फ्रिज में स्टोर करने से पहले भी इनको बहुत ही अच्छे से वॉश करती हूँ, और फिर किसी साफ़ कपड़े से इनको पोंछने के बाद ही मैं फ्रिज में इनको रखती हूँ। तो बस एक बार फिर से इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे, और मैं कट कर लूँगी इनको। कट करने के बाद मैं इनकी प्यूरी तैयार करने के बाद ही दाल में ऐड करूँगी। तो दाल में मैं छोटे छोटे टमाटर के कट करने के बाद ही इसमें तड़के में ऐड करती हूँ हमेशा, बट यहाँ पर आज मैं फ़र्स्ट टाइम दाल में टमाटो की प्यूरी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी वाले से मंगाए थे हमने करेले 1 किलो, तो वो सब्ज़ी देकर गया है। इनको मैंने काफ़ी देर तक धूप में जो कहते हो ही रखा रहने दिया था, क्योंकि जैसे कि आपको सभी को मालूम है इस टाइम केयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने तरबूज को भी और इसको करेले को भी झूका तो बाहर पैकेट को छोड़ दिया था धूप में ही। तो बस इनको 1-1.5 घंटा हो गया है उठाने के बाद मैंने यहाँ ले आई हूँ इनको। अब इनको बस सिंक में डालने के बाद सबसे पहले इनको बहुत ही अच्छे से बार बार वॉश करना है। कई बार इनको पानी में अच्छे से वॉश कर लूँगी। तरबूज को तो मैंने अभी वॉश करके अच्छे से उसको रख दिया है एक साइड, ताकि उसका पानी अच्छे से एक्सक्यूज़ हो जाए। उसको मैं फिर पोंछ के कपड़े से पोंछने के बाद फ्रिज में रख दूँगी, ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। तो बस तड़के की तैयारी कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बस मैं दाल और राइस की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अरहर की पंजाबी दाल की रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और जीरा राइस की भी मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर कर रखी है, येलो राइस की भी शेयर कर रखी है। तो इसीलिए बस यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, बट मैंने बता दिया आपको कि मैं किस तरीके से इसको तैयार कर रही हूँ। तो तड़के में जब हम टमाटर की प्यूरी ऐड करते हैं, तो टमाटर को हमारे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस इसको कुछ देर के लिए
मसाले को तैयार करने के बाद टमाटर प्यूरी मिक्स करने के बाद उसको थोड़ा सा कवर कर दें और जब तक ऑयल सेपरेट हो जाए उतनी देर के लिए इसको पकाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये तड़का बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। तो बस इसी तरीके से आज मैं इसको तैयार करूँगी। तो बस उस करेले को भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद बस इसको मैं रात में कट करके रख दूँगी। थोड़ा सा नमक लगाने के बाद इसको पूरी रात रखा रहेगा तो इसमें जितनी भी कड़वाहट होगी वो नमक के थ्रू निकल जाती है। तो बस उसको फिर कई बार हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद बना लेंगे, क्योंकि आज तो कच्चा आम भी नहीं मिला है। तो बस वो कल आएगा, कच्चा आम भी सब्ज़ी वाला दे के जाएगा, तो तभी ये तैयार होगा। इसको वैसे भी मैं एक रात के लिए नमक लगा कर छोड़ देती हूँ, क्योंकि जितनी भी इसकी कड़वाहट होती है वो नमक से निकल जाती है। तो थोड़ा बहुत तो कड़वा रहता ही है क्योंकि करेला है, वो तो थोड़ी बहुत तो कड़वाहट रहेगी, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं लगता है इस तरीके से बनाने से। तो बस टमाटो प्यूरी भी मैंने तैयार कर लिया है। हल्का सा यहाँ पर इसको किचन को हल्का सा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ से जो गंदा हो जाता है बार बार मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। तो बस अब टमाटो का हम यहाँ पर दाल में तड़का लगा लेंगे। तो बस आज 12:30 ही बजे हैं अभी तक, बस यहाँ पर राइस तैयार हो जाएंगे, अब मैं तैयार कर लूँगी उनको। दाल यहाँ पर तैयार हो चुकी है, उसमें रह गया है तड़का लगाना। तो आज मैं यहाँ पर आराम से ही काम कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने टाइम से ही दाल और राइस को भिगो दिया था। अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास, क्योंकि एकदम हमें जल्दी से लंच भी नहीं करते हैं, काफ़ी लेट ही करते हैं। तो बस यहाँ पर इसलिए मैं आज यहाँ पर आराम से ही इसको तैयार कर लूँगी। आज मैं यहाँ पर सिर्फ राइस और दाल ही बनाऊँगी, यहाँ पर सूखे आलू भी नहीं बनाऊँगी उसके साथ, ना ही आज फुलका बनाना है, किसी को नहीं खाना है। तो बस यहाँ पर बस दाल और राइस ही बनेंगे, तो इसलिए मैंने आज यहाँ पर सूखे आलू भी नहीं बनाए हैं साथ में, वरना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है राइस और दाल के साथ सूखे आलू मुझे, बट यहाँ पर आज हमने नहीं बनाए। तो बस तड़का भी रेडी होने वाला है। आलू तो वैसे भी फ्रीज में बॉयल रखे हुए हैं, जो मैं हमेशा ही बॉयल करके रखती हूँ। आटा भी मैंने लगा दिया था थोड़ा सा, बट यहाँ पर सबने मना कर दिया है, तो बस इसीलिए मैंने आलू को भूना नहीं है। और बस चपातियाँ भी नहीं बनाऊँगी, तो आटे को थोड़ा सा मैंने आटा बनाया था उसको भी मैंने फ्रीज में रख दिया है। तो बस तैयार कर लेंगे हम लंच को। यहाँ पर बस हम अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं कुछ, और कुछ यहाँ पर सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, तो इसीलिए बस मैंने साउंड को म्यूट कर दिया है। तो बस दाल का तड़का मैंने रेडी कर लिया है। तो बस यहाँ पर दाल में से थोड़ा सा पानी मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस यहाँ पर थोड़ा सा ही है, 1/4 कप ही, तो मैंने दाल में से वो पानी निकाल लिया है और मैं उसको पी रही हूँ। बस यहाँ पर मुझे दाल में से जो हल्का सा कभी भी एक्स्ट्रा पानी हो जाता है तो मैं उसको इस तरह निकाल कर पी लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बस मैं उसको वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं इसी तरीके से पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो। तो बस हमेशा तो नहीं होता है दाल में ज़्यादा पानी, बस ये है कि कभी कभी हो जाता है, अगर लगता है मुझे कि थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो मैं उसको, थोड़ा सा भी होता है तो मैं उसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली दाल हमें ये नहीं अच्छी लगती है। तो बस मैं उसको दाल के पानी को पी रही हूँ और हम यहाँ पर बस अपनी कुछ पर्सनल बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर दाल और राइस दोनों ही चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। तो बस यहाँ पर मैं सैलेड कट कर रही हूँ, तो बस इसको पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे खीरे को, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कट कर लूँगी, एक बीटरूट भी इसके साथ कट कर लूँगी।
तो यहाँ पर बस बीट रूट को कट करने के बाद भी एक बार मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। छीलने के बाद जब मैं बीच में से कट करती हूँ तो इसको वॉश करती हूँ। तो बस बीट रूट को अच्छे से वॉश कर लिया है। ठीक है नहीं जाने ऐसे ही सही लग रही है। 2301 है ये बताओ दौड़ दिया 300 रह गए घर में ही तो देख रहे कौन देख रहा है बताओ सही लग रहे हैं बुरे लगते तो खुद से ही बोल देते हम मुर्गी बना देते हम थोड़ा सा संभल के रहना ही पड़ेगा ना अभी इसमें बीज कितने सारे निकल गए खाना खा लेते पहले खाना खा लेते फिर उसके बाद खेलते सब मिलके हमने अभी खिला लेते फिर अपने रैकेट से वो भी है ना नहीं खाएंगे नहीं खाना अब तो मैंने बना दिया मम्मी खा क्या बना रखा अरहर की दाल चावल अरहर की अरहर खाना लगा रही तो मैं सबको बस अरहर कौन खावे हम खावे क्या बनाए रोज की रोटी कोई कोई तो बहुत शौक से खाओ फल उड़द की दाल बनाई थी
यहाँ पर बस मैंने सभी का साथ में ही खाना लगा दिया है और यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा बड़ा बाउल में ही दाल को ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़े बाउल में ही खाते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा ही दाल या सब्जी को लेते हैं, तो यहाँ पर इसलिए बड़े बाउल में बस मैं यहाँ पर इसको दाल को डाल रही हूँ। तो बस सभी का खाना एक साथ लगा लिया है क्योंकि आज फुल्का भी नहीं बनाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा सबको भूख नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मैंने आज उसका फुल्का भी तैयार नहीं किया है, सबने मना कर दिया था और इसीलिए मैंने यहाँ पर सूखी सब्जी भी नहीं कोई बनाई है। तो बस खाना सभी का रेडी हो चुका है तो आप भी खा लीजिए। सभी का खाना लग चुका है तो अब हम चलते हैं रूम में, सभी एक साथ बैठकर खा लेंगे। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा थोड़ा बूरा ले रही हूँ क्योंकि बूरा राइस भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं। तो यहाँ पर लंच के काफ़ी देर हो चुका है तो बस मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर जो मैंने आइसक्रीम बनाई थी, ये गुआवा आइसक्रीम है चटपटी सी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो बस उसी को हम खा रहे हैं यहाँ पर, एंजॉय कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप बहुत ही यम्मी बनी हुई थी ये मैं बहुत बार बना चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये गुआवा वाली है तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। तो बस सबसे पहले इसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को बच्चे शेयर कर रहे हैं। लॉकडाउन में यही सब चल रहा है कि हमने यहाँ पर ये बनाया तो इसकी पिक शेयर करी जा रही है, उन्होंने ये बनाया है तो इसकी पिक शेयर करी जा रही है, तो बस सभी ये सभी चल रहा है। तो बस यहाँ पर भी इसकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो बस अब हम आइसक्रीम को एंजॉय करेंगे, इसको सब खा रहे हैं बस।
सुबह शाम हो चुकी है, काफ़ी देर हमने रेस्ट भी कर लिया है तो शाम हो चुकी है। तो शाम की मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पर बस। तो बस यहाँ पर मैंने एक साइड चाय को बनने के लिए रख दिया है। इतने हमारी चाय अच्छे से पकेगी क्योंकि इसको भी थोड़ा टाइम तो लगेगा पकने में। तो इतने यहाँ पर बस मैं राइस को और दाल को निकाल कर अलग रख दूँगी जो बचे हुए हैं थोड़े बहुत। तो बस इतने बर्तन को भी एक साइड में सिंक में रख दूँगी क्योंकि अभी क्लीन नहीं करना है बर्तन को। तो बस अभी हम चाय पियेंगे तो इतने बस चाय पक कर तैयार होगी हमारी। तो बस मैं यहाँ पर इतने थोड़ा सा किचन को बर्तन जो इधर उधर पड़े हैं इनको एक साइड रख दूँगी। तो किचन बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो इसको थोड़ा सा समेटना होता है थोड़ी थोड़ी देर बाद ही। तो बस इसको बर्तनों को एक साइड रख देंगे तो बस चाय भी इतने पक जाएगी अच्छे से। Tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you, I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle. I think we've seen it all. Just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle. It's unconditional. Just make the call, and I'll be yours. हमारी पक चुकी है तो चाय को बस छान लेंगे हम। नाश्ता भी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि नाश्ता बहुत ख़त्म हो चुका है। तो हम नाश्ता लिखवा रखा है, नाश्ता शाम तक आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा ही नाश्ता है आज यहाँ पर। राउंड चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में अगर एकदम से हम जाकर ले आएंगे तो वो भी पहले किराने की शॉप पर हमें नोट कराना पड़ रहा है तो तब उसके बाद यहाँ पर घर पर डिलीवर होगा। तो बस नोट करा दिया है, शाम तक आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में जैसे भी कुछ ख़त्म हो जाता है तो हम मार्केट से जाकर कोई भी ले आए, बट यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। अगर चीज़ ख़त्म हो जाती है तो बस पहले उसको नोट कराना पड़ता है और फिर उसके बाद घर पे चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं। इतना ज़्यादा तो कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि सभी कुछ है घर में, बट नाश्ता काफ़ी टाइम से चल रहा था तो बस अब जाकर थोड़ा सा वो बचा है। तो इसीलिए शाम को चाय के साथ नाश्ता भी ज़रूर चाहिए होता है क्योंकि खाली चाय नहीं पी जाती है। तो बस नाश्ता थोड़ा कम है बट इतना भी कम नहीं है, चल जाएगा बहुत ही बढ़िया से। तो दो ही चीज़ें बची हैं। अब चलते हैं हम अंदर, चाय हमारी रेडी हो चुकी है तो आप भी पी लीजिए। We'll be right back.
तो यहाँ पर बस मैंने रेसिपीज का पैकेट भी निकाल लिया है, क्योंकि रेसिपीज की मैंने लॉकडाउन में ही एक पेटी मंगा ली थी। और बस थोड़े से यहाँ पर बिस्किट हैं और नमक पारे हैं, तो उन्हीं के साथ हम चाय लेंगे। तो बस हमने शाम की चाय पी ली है और उसके बाद हम आ गए हैं छत पे। तो हम यहाँ पर खेलेंगे बैडमिंटन, तो वो हम डेली ही खेलते हैं। तो बस इस तरीके से थोड़ा टाइम भी पास हो जाता है और मन भी लग जाता है। तो शाम को बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। तो बस यहाँ पर हम इसी तरीके से डेली खेलते हैं। यहाँ लॉकडाउन के चलते हुए काइट भी बहुत ही ज़्यादा उड़ाई जा रही है, जिसको बस बच्चे देख रहे हैं। तो बच्चों के पास भी कुछ काइट्स पुरानी रखी हुई थी, तो बच्चे भी एक दो काइट अपनी लेकर आए हैं, वो भी उड़ा रहे हैं। तो उसकी कट गई है एक काइट, तो बस उसी को देख रहे हैं कि वो किस साइड जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी टाइम से काफ़ी सारी पुरानी काइट्स रखी हुई थी, जो कि बिल्कुल सही हैं, और हमें उनके लिए मार्केट नहीं जाना पड़ा है। सब कुछ यहाँ पर पहले से ही हमारे पास घर में था, और ना ही हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर से बाहर जाते हैं इस तरीके से।
तो बस वो काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, तो बस एक दो काइट वहाँ पे उड़ा ली है। तो बस अब हम खेलकर नीचे आ गए हैं और आज हमने काट लिया है वाटरमेलन, जो कि आज हमने दोपहर में नहीं कट किया था क्योंकि किसी का भी मन नहीं था खाने का, तो बस इस टाइम कट कर लिया है। तो अब इसको खा रहे हैं बस यहाँ पर, तो बस हम यहाँ पर वाटरमेलन खा रहे हैं, तो आप भी खा लीजिए। तो यहाँ पर बस मैं वाटरमेलन अभी मैंने नहीं खाया है, तो उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी क्योंकि ऊपर से आए थे, तो मैं उसके पहले ही पानी पी रही हूँ क्योंकि उसके बाद तो पानी नहीं पीना चाहिए। तो बस हम बैठे हुए यहाँ पर मूवी देख रहे हैं। तो अब हो चुकी है काफ़ी रात और बहुत देर हो चुकी है, तो आज यहाँ पर हम नाइट में खाने में कुछ नहीं बनाएंगे और यहाँ पर थोड़ी सी बनाएंगे मैक्रोनी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। बस उसको सबसे पहले मैं बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पर 2 गिलास मैंने पानी रख दिया है और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा बस इसमें नमक ऐड कर देंगे और 1/2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे, जिससे कि मैक्रोनी बहुत ही खिली खिली और बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेगी, वो बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं आपस में। तो यहाँ पर एक बड़ा बाउल है बस, ये इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको बॉयल होने देंगे। हमारी मैक्रोनी बॉयल होएगी तो हमारे बर्तन भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि बर्तनों को पहले से ही मैंने जो थोड़ी सी राइस और दाल बची हुई थी, बहुत ही कम थी, 1 कटोरी से भी थोड़ी सी कम थी, तो बस उसको मैंने निकाल दिया था और फ्रिज में रख दिया था। तो बस सारे बर्तनों को हम क्लीन कर लेंगे फटाफट से। तो
बस मैक्रोनी को चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मैक्रोनी हमारी बहुत ही बढ़िया बॉयल हो चुकी है, क्योंकि ये देखने से ही पता चल रहा है हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो चुकी है। तो बस इसे जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाती है तो ये बस बढ़िया से बॉयल हो जाती है। तो इनका सारा पानी हम स्ट्रेन कर देंगे। आप चाहे तो इनको एक दो बार वॉश भी कर सकते हैं, ठंडा पानी इनके ऊपर ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इनको ओवर कुक नहीं किया है तो इसलिए मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस इनका सारा पानी हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे। तो बस इतने मैंने बर्तनों को क्लीन किया है। तो मैक्रोनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। मैक्रोनी को मैंने नहीं बनाया है तो बच्चे खुद से ही बना रहे हैं इसको। तो बस मैक्रोनी भी रेडी हो चुकी है तो इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। मैक्रोनी हमारी रेडी हो चुकी है, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी हुई थी। तो बस इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड। तो ये था मेरा छोटा सा संडे व्लॉग। आई होप आप सभी को ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।